को रफ्तारी रुचिका की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस प्यार के महीने में आज का दिन बहुत है खास, क्योंकि टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ एयरवेव्स, यानी कि आज है वर्ल्ड रेडियो डे। सो सबको रेडियो उड़ान की तरफ से और रफ्तारी रुचिका की तरफ से हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रेडियो उड़ान है एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन एनीवेयर एनी टाइम। हैप्पी लिसनर्स एंड हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे फ्रॉम रेडियो उड़ान। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। ये जो चंद लाइनें मैंने आपके सामने पेश की, ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप के लिए कहा गया है, ये क्यों ये लाइनें इस्तेमाल की गई हैं, क्यों ऐसा दर्द भरा गाना गाया गया है। तो दोस्तों, मैं जानती हूं कि सबके दिल धड़क रहे हैं ये जानने के लिए कि अब क्या है आगे। तो रुकिए जरा, आगे बहुत ज्यादा प्यार का महीना है, तो बहुत ज्यादा दिल धड़क रहे होंगे आप लोगों के, तो मैं ज्यादा नहीं तड़ पाऊंगी। बता देती हूँ कि दोस्तों, प्यार जो है, मोहब्बत, इश्क, बहुत ही एक पाक जज्बा है। लेकिन मजा कहाँ अगर इश्क में, लव स्टोरी में कोई ट्रायंगल ना हो। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, रफ्तारी रुचिका हमेशा कुछ करती है अलग, और विश्वास रखती है हट के आप लोगों तक कुछ पहुंचाने का। तो दोस्तों, प्यार मोहब्बत के किस्से तो बहुत सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन ये लव ट्रायंगल्स बीते हुए लम्हों में किस तरह काम करते थे, किस तरह अपनी कोशिशों से लव अफेयर को तोड़ते थे या उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते थे, ये बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि मेरा नाम क्या, रफ्तारी रुचिका, और पेश करती हूँ आपके सामने उस शो को जिसका नाम है बीते लम्हे एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। कोई तकदीर तुम्हारा, ढूंढ
ढूंढ रहा है दिल का सहारा, किसी को दिल का दर्द मिला है, किसी को मन का मीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। देखो तो कितना खुश है जमाना, दिल में उमंगे लप तराना, दिल जो दुख आंसू न बहाना, ये तो यहाँ का ढंग पुराना, इसको मिटाना उसको बनाना, इस नगरी की रीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। जैसे कि हम सब जानते हैं, फरवरी होता है प्यार का महीना, लव इज इन द एयर। तो दोस्तों, प्यार मोहब्बत के किस्सों के साथ साथ जरूरी नहीं कि लव ट्रायंगल हमेशा बुरा ही हो, जबकि मेरा मानना यह है कि जहां लव ट्रायंगल में ट्रेजेडी होती है, वहीं इमोशनल बैकलॉग भी होता है। यानी बहुत ज्यादा दो जने प्यार करते हैं तो तीसरा या तो मर जाता है या त्याग देता है खुद को, खुद के प्यार को। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानियां मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं। इसको भी हम प्यार से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि जहां लव ट्रायंगल है वहां प्यार है तो ट्रायंगल है। यानी एक इंसान को कोई दो जने प्यार करते हैं, चाहे वो हीरो को दो हीरोइन प्यार करती हैं या एक हीरोइन को दो हीरो, आखिर में तीसरे की हार होती है। या तो वो खुद को खत्म कर लेता है या अपने प्यार का समर्पण कर देता है। तो उसी में आज मैं आपके सामने तीन बहुत ही ग्रेट मूवीज लेकर आई हूं, बताऊंगी आपको उसमें लव ट्रायंगल की कुर्बानियां और बताऊंगी आपको उस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो दोस्तों, सबसे पहले तैयार हो जाइए उस फिल्म के लिए जिसमें सदी के दो महानायकों ने काम किया था, क्या मैं कहूं तीन। डायरेक्टर की, इस पिक्चर की डायरेक्टर थे महबूब खान, साथ में प्रोड्यूसर भी थे महबूब खान। इस पिक्चर की जो स्टारिंग थी, स्टार कास्ट थी, वो थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। कुछ कुछ लग रहा है कि याद आ रहा है पिक्चर का नाम, तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, इस फिल्म का नाम है अंदाज। म्यूजिक दिया था इसमें नौशाद साहब ने। दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट थी 26 अगस्त 1949। तो दोस्तों, ये पूरी फिल्म जो है दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस के इर्द गिर्द घूमती है। ये इनका लव ट्रायंगल है। तो स्टोरी का प्लॉट कुछ इस तरह से है कि नीना जो कि नरगिस है, मुराद साहब जो कि एक बिजनेसमैन है, यानी मैं कहूं बहुत रिच बिजनेसमैन है, उनकी बेटी है और बहुत ही बिंदास है। अब आप उसको बिगड़ेल भी कह सकते हैं, बट सेंसिटिव है।
एक दिन हॉर्स राइडिंग करते हुए उनका घोड़ा जो है वो बिदक जाता है और वो चलती चली जा रही है, दगड़ 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 बचाओ बचाओ का शोर करते हुए। और इतने में होती है हमारे हीरो की एंट्री, और उस हीरो का नाम है दिलीप, जो असली में भी नाम है दिलीप कुमार। दिलीप साहब उस हॉर्स को रोककर उनकी जान बचाते हैं, लेकिन जान बचाते क्या है जी, अपना दिल हार बैठते हैं नरगिस की आंखों में, और उसके बाद इनकी दोस्ती हो जाती है और ये अब फ्रीक्वेंटली नरगिस के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नरगिस के फादर को, जो कि मुराद हैं, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि नरगिस बहुत ज्यादा समय जो है वो दिलीप के साथ बिता रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद दिलीप तुम्हारी इस दोस्ती को प्यार न समझ बैठे। अब दिलीप जो है वो अंदर ही अंदर उनसे प्यार करने लगे हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि मैं अब अपना प्यार का इजहार करूंगा नीना से उनके बर्थडे के दिन। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रेम कहानी इतनी जल्दी कैसे शुरू हो जाए। उसी दिन एक ट्रेजेडी होती है और नीना के फादर यानी मुराद साहब को हार्ट अटैक होता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं नीना को अकेले छोड़कर। दिलीप जो कि उनके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनको बहुत कंफर्ट कराते हैं और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके फादर का बिजनेस संभालना शुरू कर देते हैं, जिसमें नीना की भी रजामंदी होती है। अब दिलीप साहब नीना के घर पे ही रहने लगते हैं, एक अलग सेपरेट रूम में। दिलीप साहब रोज सोचते हैं कि मैं अपने दिल की बात नीना से कह दूं, लेकिन क्योंकि वो इतनी ट्रेजेडी से गुजरी होती हैं, तो उनको लगता है कि अब मैं थोड़ा सा रुक जाऊं। तो देखिए दोस्तों, दिलीप साहब की जो फीलिंग्स मारने की शुरुआत है वो स्टार्टिंग से चल रही है, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें पता चलता है कि नीना ऑलरेडी एंगेज्ड है और उनकी शादी होने वाली है राजन से, जो कि लंदन से लौट रहे हैं, और वो है हमारे सुपरहीरो राज कपूर साहब। यहां दिलीप साहब अपने प्यार का गला घोटकर नीना की खुशी के लिए फिर से चुप हो जाते हैं। एंड इवेंचुअली राज कपूर एंड नीना गॉट मैरिड, और आखिरकार दिलीप साहब को एक दिन ये लगता है, जिस दिन उनकी शादी होती है नीना की, उस दिन उनको ये लगता है कि कम से कम मैं अपने प्यार का इजहार तो कर दूं, अपने बारे में बता तो दूं नीना से। वो अपने प्यार की फीलिंग्स के बारे में बता देते हैं, और किस दिन, जिस दिन उनकी शादी थी। पार्टी में सब आपका इंतजार कर रहे हैं, पियानो उदास पड़ा है और शीला का नाच देखने के लिए सब बेकरार हो रहे हैं। आज की रात भी अजीब रात है, दुनिया की हर चीज बेकरार है। मैं भी अपने इस बेकरार दिल को चैन देने के लिए इसे कहीं दूर ले जा रहा हूँ। कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। क्या हो, क्या गया है आपको? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप मुझे अपने ही रोक सकती हैं। पागल न बनिए, होश में आइए। होश में आ चुका हूँ, इसलिए तो जा रहा। मुझसे कोई गलती हुई? गलती आपसे नहीं हुई, मुझसे हुई। यही कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन नीना ने तो उन्हें हमेशा अपना दोस्त समझा था, इसीलिए वो सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मगर कुछ नहीं हो सकता था, और उन्हें पुरानी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं कि किस तरह इसने मेरा साथ दिया, किस तरह इसने मुझे पापा की डेथ के बाद कंफर्ट जोन दिया, संभाला, बिजनेस संभाला। लेकिन राजन से एंगेजमेंट के बाद उस दिन उनकी शादी थी। आखिरकार दिलीप ने फैसला किया कि वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो
चला जाएगा ताकि राजन को यानी राज कपूर को कोई शक ना हो। उनकी लाइफ के जो सेक्रीफाइसेस थे वो शुरू हो चुके थे दोस्तों। कुछ साल बाद राजन और नीना एक बहुत ही प्यारी बेटी के पेरेंट्स हैं। उनकी बेटी के जन्मदिन के दिन दिलीप वहां पर फिर से आता है उनकी बेटी के लिए प्रेजेंट में एक डॉल लेकर। अब जब लाइट चली जाती है उसी दिन बर्थडे वाले दिन, नीना को उस वक्त लगता है कि दिलीप को उसे कंसोल करना चाहिए और वो अंधेरे का फायदा उठाकर दिलीप के पास जाती है, उसे ये बताती है कि उसके मन में कभी भी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, हमेशा उसने उसे अपना एक दोस्त समझा। लेकिन नीना इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी कि वो जिससे ये सब बातें कर रही है वो राजन था ना कि दिलीप। अब राजन को ये लगने लग गया कि दिलीप और नीना का अफेयर रह चुका है, वो एक ही घर में रहते थे। राजन की इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने इतना क्रूर रूप ले लिया दोस्तों, हो जाता है एक्चुअली, वो हस्बैंड है, एक बेटी का बाप है, तो ऑब्वियसली अपनी वाइफ के मुंह से ये सब बातें सुन के उसने बहुत ज्यादा गलत सोच लिया, दूसरे रास्ते पे सोचने लग गया, दूसरे ही उधेड़ बुन में लग गया और यहां से शुरू हुआ उन तीनों के बीच में बहुत ज्यादा अनबन का किस्सा। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे? कहिए। किस सोच में पड़ गए? कह डालिए। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू। जी आप तो तकल्लुफ करते हैं साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है। मैं आज यहां से जा रहा हूं राजन बाबू, मगर जाने से पहले यह गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ा। छोड़िए, क्या रखा है इन बातों में। और अब वो पुजारी ही कहां है? दिलीप ने बहुत कोशिश की कि वो राजन को समझाए और ये बताए कि ये नीना के लिए गलत है जो तुम कर रहे हो। और उन दोनों की बहस में दोस्तों राजन के हाथों दिलीप के सर पर बहुत जोर से चोट लग जाती है। ये दाया आप उन्हीं को दिखाइए। हजूर मुझे आपके इस नाटक से कोई दिलचस्पी नहीं। राजन उसकी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाओ। राजन उसके कदमों में झुकने की दुनिया ख्वाहिशमंद, उसने तुमको अपना देवता बनाया, उसको पाकर तुम अपने आप को इंसान नहीं भगवान समझने लगे। मगर ये ना भूलो कि तुमको भगवान बनाने वाली वही पवित्र देवी है जिसकी भक्ति को तुम नाटक समझते हो, तुम उसके काबिल नहीं। और राजन उस वक्त अपनी बेटी को लेके वहां से चला जाता है। नीना उस वक्त राजन के पीछे भागती है, लेकिन वापस आकर उसे अपना घर बचाना था ना, लेकिन वापस आकर वो दिलीप को डॉक्टर के पास लेके जाती है और कहती है डॉक्टर इसे बचाइए, क्योंकि ये एक एक लौता प्रूफ है ये बताने के लिए कि मैंने राजन के ऊपर चीटिंग नहीं की है, मैंने हमेशा राजन को प्यार किया है। दोस्तों यहां कहानी ने एक और मोड़ लिया। इन तीनों के प्यार में क्या कुछ ऐसा हो रहा था दोस्तों? इसके बाद दिलीप के क्योंकि सर पे चोट लगी थी तो वो बेहोश था। कुछ टाइम के बाद जब वो होश में आया तो वो आधा पागल हो चुका था और उसने देखा कि नीना वहां बैठी है जो कि उसकी देखभाल के लिए थी वहां पर, और उसने नीना के को मॉलेस करने की कोशिश की।
क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था कि ये कौन है, और उसे इंसिस्ट करने लगा दिलीप कि वो वाकई में उससे प्यार करती है। और इस छीना झपटी में नीना के हाथ में गन आ जाती है और वो दिलीप को शूट कर देती है। तुम जानते हो मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरी इज्जत राजन की इज्जत है और मैं उसकी हिफाजत मरते दम तक करूंगी, चाहे मुझे अपने एहसान करने वाले पर गोली क्यों ना चला देनी पड़े। चला दो अगर मेरा तरफ ना देख सकती तो चला। तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है, तुम्हारा दिल क्यों धड़क रहा है, इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं राजन के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। ये अपने दिल से पूछो। मेरे दिल में राजन के सिवा कोई नहीं। तुम झूठ बोलती हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। दिलीप, तुम मुझसे मोहब्बत दिलीप उसी वक्त मर जाता है और नीना जेल पहुंच जाती है। ये देखिए दोस्तों, क्या ट्रेजिक ट्रायंगल लव स्टोरी थी। पहले एक को बचाने के लिए खुद को घर से निकाल देना, फिर उसके हस्बैंड को पता चल जाता है, उसको चोट लगती है, और नीना अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते को बचाने के लिए, जिससे उसने हमेशा प्यार किया है, उसके रिश्ते को बचाने के लिए उसने दिलीप को गोली मार दी। लेकिन दोस्तों, शक का इलाज तो किसी हकीम के पास नहीं। जब राजन को बुलाया गया कोर्ट में, तो राजन ने नीना के खिलाफ गवाही दी कि एक दिलीप ही था जो इसकी सच्चाई के बारे में बता सकता था कि इन दोनों का अफेयर कितने प्रवान चढ़ा था, और इसने उसी को मार दिया ताकि ये उसकी आइडेंटिफाई ना कर सके किसी भी चीज को। इन मीनवाइल दोस्तों, जज ने अपना जो जजमेंट था वो पेंडिंग किया। जब राजन घर आया तो उसकी बेटी जो थी वो दिलीप की दी हुई डॉल से खेल रही थी। राजन को उसको देख के इतना गुस्सा आया कि उसने उस डॉल को फाड़ के फेंक दिया और उसमें से एक दिलीप का लेटर निकला नीना के लिए, जिसमें ये लिखा था कि नीना मुझसे प्यार नहीं करती, राजन ही एक फॉर्चुनेट इंसान है जिससे उसने हमेशा प्यार किया और अब उसे ये एहसास हो चुका है और ये जगह छोड़कर वो जा रहा है। और जब राजन ने वो चिट्ठी पढ़ी, उसे एहसास हुआ कि वो गलत है, नीना सिर्फ उससे प्यार करती थी। दोस्तों, लास्ट में नीना को उम्र कैद की सजा हो जाती है और राजन अपनी बेटी के साथ उससे मिलने आता है। ट्रैजिक ट्रायंगल लव स्टोरी का अंत अकेले राजन के रह जाने से हुआ। एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, ओ उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाए रहते हैं, तेरे भी दिल में आग उठी है जाग, जबां से चाह न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार।
हाँ तो मेरे लिसनर्स को मैं बता दूं, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान बीते लम्हे विद रफ्तारी रुचिका। दोस्तों आज का मेरा सेगमेंट है ट्रायो, यानी ट्रायंगल इन लव स्टोरीज। उसमें अभी आपने सुनी फिल्म अंदाज, ट्रायंगल था नरगिस, दिलीप कुमार और राज कपूर का। देखा आपने गलत फहमियां कहां से कहां पहुंचा देती है इंसान को, पूरा घर खराब करके रख देती है। तो दोस्तों इसी सेगमेंट में अगली पिक्चर भी है दिलीप कुमार की और भी है महबूब खान की डायरेक्ट की हुई। तो इस फिल्म में स्टारिंग बता देती हूँ आपको, दिलीप कुमार, निम्मी है, प्रेमनाथ है और नादिरा है। कुछ कुछ दिमाग घुमा, जी हाँ ये फिल्म का नाम है आन, डायरेक्टेड बाय महबूब खान, प्रोड्यूसर बाय भी महबूब खान, रिटन बाय आरएस चौधरी। दोस्तों म्यूजिक दिया था नौशाद साहब ने और इसकी रिलीजिंग डेट थी 4th जुलाई 1952। अब जैसे कि आप स्टारिंग से समझ ही गए होंगे कि इसमें ट्रायंगल दो और आदमियों का नहीं, दो औरतों का था, यानी दिलीप कुमार, निम्मी और नादिरा। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है यहाँ एक रॉयल इंडियन फैमिली से, जिसके महाराज हैं मुराद साहब और उनके भाई शमशेर सिंह जो कि हैं प्रेमनाथ, और उनकी एक सिस्टर है राजश्री जो कि हैं नादिरा। दोस्तों अब एक लोकल विलेजर लीडर है जिनका नाम है जय तिलक और वो है हमारे हीरो दिलीप कुमार। ये कहानी भी शुरू होती है घोड़े की नाक में नकेल डालने से, जो कि है प्रिंसेस राजश्री का घोड़ा। और जैसे ही जय इसमें जीत जाते हैं, शमशेर सिंह जो कि है प्रेमनाथ थोड़ा चिढ़ से जाते हैं, सड़ से जाते हैं, वो इनको फिर से चैलेंज करते हैं। अब इस फाइट में भी जय डिक्लेयर हो जाता है विनर और साथ ही साथ शमशेर सिंह इस गरीब विलेजर के ऊपर बहुत नाराज हो जाता है। लेकिन दोस्तों बात आती है नाराजगी की नहीं, मोहब्बत की बात आती है और मोहब्बत शुरू हो जाती है दिलीप कुमार के दिल में, किसके लिए, राजकुमारी राजश्री के लिए जो कि है नादिरा। और दिलीप साहब यहाँ कई बार कोशिश कर रहे हैं कि नादिरा को पटाओ फाइन किया जाए, इनको पटाने का बहुत बहुत तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रिंसेस तो प्रिंसेस है भाई, बहुत एरोगेंट, बहुत फर्म, और इतनी फर्म इतनी एरोगेंट कि दिलीप साहब की यानी जय की ट्रू फीलिंग्स की भी उनको कद्र नहीं है। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। किसी की मगरूर आंखें मुझे बगावत के लिए सारी। महाराज नहीं चाहते कि राजघराने और हाड़ों के पुराने संबंध को तोड़ा जाए। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि इस संबंध को इतना मजबूत कर लिया जाए कि टूटने का डर न रहे। मैं तुमको क्षमा किए देती हूँ, शायद इस वक्त तुम अपने खुश हुए। आपकी निगाहें मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच गई। वाकई किसी के मत भरे नैनों ने मुझे मदहोश कर रखा है। झूठ। कौन है वो जिसने तुम्हारे दिल से तलवार की मोहब्बत छीन कर अपना प्रेम बसा दिया है? राजकुमारी वो तलवार से ज्यादा खातिल है, उसने अभी तक मेरी मोहब्बत का इकरार नहीं किया। हाय हाय हमारे बेचारे जैसा। दोस्तों कहानी थोड़ी रुख करती है वापस उस जगह जहां शमशेर को और गुस्सा आ जाता है जब महाराज ये रिवील करते हैं कि शमशेर उनके एम्पायर का उत्तराधिकारी नहीं है, यानी अब वो एम्पायर ही खत्म करने लगे हैं, ना कोई राजा ना कोई प्रजा, एक फ्री डेमोक्रेटिक यानी एक विलेज, सॉरी, जो कि महाराजा चाहते हैं। लेकिन
शमशेर सिंह नहीं चाहता और शमशेर सिंह अब प्लान करता है महाराजा को यानी अपने ही भाई को मारकर राज्य हासिल करने का। महाराज की तबीयत खराब है और वो इंग्लैंड जा रहे हैं अपनी इलाज के लिए, लेकिन एक रात पहले ही शमशेर उन पर अटैक करवाता है। महाराज इस अटेम्प्ट से बच जाते हैं। यहाँ बहुत गुस्सा माधाड़ होता है दोस्तों। एंड मीनवाइल शमशेर की नजर पड़ती है गांव की बहुत ही प्यारी सुंदर सी लड़की मंगला पर, जो है निमी, और वो है जय की बहुत खास दोस्त। लेकिन दोस्तों दोस्ती कब प्यार में बदल गई है खुद निमी को पता नहीं चला। दिलीप कुमार से प्यार कर बैठी जब से बचपन से, कहती है मैं तो बचपन से इनसे प्यार करती हूँ, लेकिन जय को बताया नहीं, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि जय इज मैडली इन लव विद प्रिंसेस राजश्री। सिर्फ एक रुमाल के लिए तुम मुझ पे गोली चला रही, ये तुम्हारे राज का फूल है जो तुम्हें दिल की बात कहने से रोक रहा है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों झूठ बोलकर अपने खूबसूरत होठों पर जुल्म कर रही है? अब शमशेर साहब तो शमशेर हैं, उनका दिल आ गया निम्मी पे तो उनको कर लिया किडनैप, ताकि उनको किडनैप करके कैद में रखा जाए और उन्हें मॉलेस्ट किया जाए। जय जब उसको बचाने आता है तो कॉन्स्पिरेसिस के तहत मंगला को ये पता है कि जय प्रिंसेस से प्यार करता है, लेकिन बावजूद उसके अपने प्यार की रक्षा करने के लिए मंगला जहर की बोतल पी जाती है और जय को बचाने के लिए मर जाती है। यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। एक लड़की जो अपने प्यार के लिए मर गई और एक दोस्त जिसने अब रिवेंज लिया अपनी दोस्त के मरने का शमशेर से, और शमशेर सिंह को वो मार डालता है। और प्रिंसेस राजश्री अब ये ऐलान करती है कि विलेजर्स के ऊपर अटैक कर दिया जाए, बावजूद इसके ये जानने के दोस्तों कि वो जय जो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन अब हमारे जय साहब भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, अपने प्यार को मनवाने के लिए वो राजश्री को किडनैप कर लेते हैं और मजबूर करते हैं उनको, राजश्री को, अपनी गरीबी वाली जिंदगी जीने पे। इस आदमी ने नागरानी का मान क्या है, आज्ञा हो कि इसका सर काट दिया जाए। हम नहीं तीर से तलवार से मरने वाले, कत्ल करना है तो एक तिरछी नजर काफी। कौन हो तुम? इश्क कहते हैं मुझे, हुस्न का दीवाना, कभी बुलबुल कभी भौरा कभी परवाना। चांद तारों ने मेरे दिल से चमक पाई है, मेरे ही प्यार से फूलों ने महक पाई है। हुस्न वाले मेरा अरमान किया करते हैं, दिल मेरे नाम पे कुर्बान किया करते हैं। क्या तुम कवि हो? ये कवि नहीं है, मेरा कैदी है। अब ये मेरा कैदी है। तुम्हें इसे प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं है, ये तुमसे प्रेम करती है। कहते नहीं जबान से दिल बेकरार है, नजरें बता रही हैं इन्हें मुझसे प्यार है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुमने मुझे भी पहचाना नहीं है, मैं तांबे की राजकुमारी हूँ। अगर तुमने इसको मेरे हवाले नहीं किया तो मैं अपनी फौज को लाकर तुम्हारे राज की सीट बजा दूंगी। रहो, चुप, नहीं तो सीट दूंगा। इस घमंडी औरत का सर नीचा करने के लिए इसके बाल काटकर राज्य से बाहर निकाल दो।
ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह से हम गरीब अपनी जिंदगी जीते हैं। और दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह से चल रही है कि राजश्री को अपनी फीलिंग का एहसास होने लग जाता है कि वो जैसे प्यार करने लगी है, लेकिन महारानी है तो दबाएगी तो सही। तो ये काफी देर तक अपनी फीलिंग्स को दबाती हुई, लेकिन एक दिन इजहार कर बैठती है कि जैसे वो बहुत प्यार करती है। लेकिन अचानक शमशेर सिंह, जो ही वॉज परस्यूम्ड डेड, रिटर्न टू गेट हिज रिवेंज अगेंस्ट जय, दोबारा जिंदा होके सामने आ जाता है दोस्तों, और जय से अपना रिवेंज लेने के लिए। लेकिन आखिरकार जीत किसकी हुई? मोहब्बत की। इस फिल्म में जो ट्रायंगल लव स्टोरी थी दोस्तों, निम्मी की, नादिरा की और दिलीप कुमार की, बहुत ही ट्रेजिक एंड हुआ इसका। एक ने अपना प्यार बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी। यही है लव स्टोरी का ट्रायंगल का एक एंगल मिस होना। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की खूबसूरत गाने के बाद अब मैं रफ्तारी रुचिका लेके चल रही हूँ आपको तीसरी ट्रायंगल लव स्टोरी की फिल्म में। और उस फिल्म को बहुत लोग मोहब्बत के नाम से जानते हैं, और उस फिल्म का नाम है, अजी रुक जाइए जरा, गैस करते हैं ठीक है, डायरेक्टेड बाय के आसिफ, प्रोड्यूस्ड बाय शाहपुर जी पोलोनजी, रिटन बाय अमन के आसिफ, एहसास रिजवी, और इनकी स्टारिंग की मैं बात करूं अगर तो पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार अगेन, मधुबाला, दुर्गा खोटे। म्यूजिक दिया है नौशाद साहब ने और रिलीजिंग डेट है 5 अगस्त 1960। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया मेरे दोस्तों, इस फिल्म का नाम है मुगले आजम। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। दोस्तों, इस फिल्म में जो ट्रायंगल लव स्टोरी है वो है अनारकली मधुबाला, बहार यानी निगार सुल्ताना और दिलीप कुमार के बीच में। अगेन एक हीरो दो हीरोइन। यहां ट्रेजिक एंड में थोड़ा सा चेंज है दोस्तों। यहां ट्रेजिक एंड जो होता है वो हीरोइन का होता है, यानी अगर हम देखें तो अभी तक 90% लव स्टोरीज में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं और तीसरा, यानी जो दो लोग आपस में प्यार करते हैं वो मिलते हैं, उनकी स्टोरी बनती है और आगे चलती है, लेकिन तीसरा नहीं चल पाता।
लेकिन यहाँ दोस्तों जो दोनों आपस में प्यार करते हैं उनमें से एक को जुदा होना पड़ता है। दोस्तों कहानी है कुछ बहुत छोटे में आपको सुनाऊंगी, क्योंकि ये कहानी तो दोस्तों पूरी बड़ी मजेदार 3 घंटे देखने वाली है। 5 या 10 मिनट के अंदर में आपको ये कहानी समझ में, मतलब मजा ही नहीं आएगा आपको सुनने का। यहाँ पर मैं आपको वो ट्रायंगल लव स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ जो इस कहानी में एम्फेसिस होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है राजा अकबर से, जो कि है पृथ्वीराज कपूर, जिनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। दोस्तों वो यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं कि उनकी बीवी जोधा भाई, जो कि है दुर्गा खोटे, एक बेटे को पैदा करें। कुछ टाइम के बाद जब उनकी रानी की डिलीवरी हो रही होती है तो एक मेड उस डिलीवरी के बाद राजा को आके बताती है कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है। राजा उस वक्त इतना खुश होकर, जो पृथ्वीराज थे अकबर साहब, इतने खुश होकर उनको एक अपनी हीरे की अंगूठी देते हैं और देते हैं एक वादा कि वो कभी भी उस वादे को कैश करवा सकती है, यानी शी कैन ग्रांट एनीथिंग फ्रॉम हिम। अब वो बेटा सलीम, प्रिंस सलीम। रियली दोस्तों घरानों के ऊपर, या मैं कहूं बच्चों के ऊपर घराने का कितना इफेक्ट होता था। ही वॉज ग्रोन अप टू बी अ स्पॉइल्ड पर्सन, और उसके फादर ने उस वक्त जब देखा कि उनका बेटा बिगड़ रहा है, उन्होंने उसको खुद से दूर भेज दिया ताकि वो कुछ डिसिप्लिन सीख के आए। 14 साल के बाद जब सलीम वापस आए एक सोल्जर के रूप में, और आते ही जब उनके आने की खुशी में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें नादिरा ने डांस किया, जो कि थी मधुबाला, उनसे उन्हें बेहद प्यार हो गया। अब्दुल तमाशा देखती रही और इश्क नगमों का सहारा लेकर अपनी हद से आगे बढ़ गया। साहिबे आलम, आफताब की रोशनी दुनिया की हर गोशी को रोशन करती है। खुद आफताब ने क्यों तकलीफ की? ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। खुदा के लिए साहिबे आलम शहजाद की को रुसवा ना कीजिए। पापा कहाँ हैं? मैं कनीस। मैं आज बुलंदी और पस्ती की ये दीवार गिरा देना चाहता हूँ। बैठ जाओ नारकली। साहिब आलम, अनारकली इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। इन्हें न देखिए शहजादी, इनमें कनीस की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीस हो, और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जबान कहते हुए डरती है। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादी, मैं मर जाऊंगी। नारकली, मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। उन्हें देख लेने दो। ये कनीस आपका फिराक बर्दाश्त कर सकती है, आपकी रुसवाई नहीं। और बाद में उनका नाम अनारकली रखा गया, जिसका मतलब है अनार की कली, यानी पोमेग्रेनेंट ब्लॉसम्स। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं नामों को इंग्लिश में तब्दील करूं तो जरा अपना अपना नाम को इंग्लिश में आप चेंज करके देखिएगा, कितना मजा आता है। अब यहाँ प्यार की कहानी शुरू होती है, लेकिन इस प्यार को डिस्कवर कर लिया किसने? बहार ने, जो कि थी निगार सुल्ताना, और वो जेलेस हो गई क्योंकि वो दिलीप कुमार, जो कि थे प्रिंस सलीम, उनसे बेहद प्यार करती थी।
और वो अनारकली से बहुत ऊंचे दर्जे की डांसर थी, यानी उनके जो राजमहल में डांसर वन, डांसर टू, डांसर थ्री करके जो रैंक्स होते थे, जो निगार सुल्ताना थी, बाहर जिनका नाम था इसमें कैरेक्टर का, वो सबसे ऊंचे रैंक की डांसर थी, जो मन ही मन प्रिंस से प्यार करती थी, उनसे शादी करके रानी बनना चाहती थी। ताज दूसरों के हाथों पहना जाता है। हाथ दूसरों के होते हैं लेकिन हिम्मत अपनी होती है। कोई आना चाहे बाहर, क्या तुम्हें खौफ नहीं? खौफ? ताज उन सरों पर नहीं रहता जिनके करीब खौफ आ जाए। तुम इस शानदार मुल्क की मलिका बनना चाहती हो? न जाने कितनी लड़कियां ये ख्वाब देख रही होंगी। उन्हें ख्वाब देखने दो, तुम मेरी आंखें देखो। जैसे किसी शराबी ने पैमाने के बदले तलवार उठा ली हो। क्या आसमान से तारे तोड़ने का इरादा है? कभी कभी तारे खुद टूट कर जमीन पर गिराते हैं, मगरूर शहजादों के लिए एक झुकी हुई नजर ही काफी होती है। दोस्तों, अगर जेलस दिल में आ जाए तो प्यार कहीं टिक नहीं सकता। वही हुआ बाहर के साथ। प्यार करती थी तो उनको लेट गो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, क्योंकि सलीम का प्यार हासिल नहीं कर सकी, तो उन्होंने अनारकली और सलीम के प्यार को एक्सपोज कर दिया सबके सामने। दोस्तों, यहां से शुरू हुई अनारकली और सलीम के बीच प्यार के टकराव। सलीम ने बहुत मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया अनारकली से शादी करने के लिए, मगर एक कनीज से शादी करने के लिए उसके फादर जो कि अकबर थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अनारकली को जेल में डाल दिया। हालांकि अनारकली के साथ बहुत जानवरों जैसा बिहेव किया गया, उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया जेल में, हथकड़ियों में बांध के, सलाखों के पीछे कोड़ों से मारना, खाना नहीं देना, इसके बावजूद अनारकली ने सलीम को भूलने से या छोड़ने से मना कर दिया। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरजुओं की रोशनी से कब थे? अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरजुएं और बढ़ जाएंगी, और बढ़ती हुई आरजुओं को कुचल दिया जाएगा। और जिलेला ही का इंसाफ? हम एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है। तुझे सलीम को भूलना होगा। भूलना होगा? यकीनन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे यह भी यकीन दिलाना होगा कि तुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। जो जबान उनके सामने मोहब्बत इकरार तक न कर सकी हो, वो इनकार कैसे करेगी? तुझे सलीम पर जाहिर करना होगा कि तेरी मोहब्बत झूठी थी। एक कनीज ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरजू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। परवरदिगार, मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा, मैं साहिबे आलम से बेवफाई कर सकूं। कनीज लैला का हुक्म बजाने की कोशिश करेगी? कोशिश नहीं, तामील होगी। इसे आजाद कर दिया जाए। ये थी मोहब्बत। दोस्तों, प्यार क्या कुछ नहीं करवाता, कहते तो हैं वैसे ये बात,
सलीम ने एक आर्मी तैयार की, फौज तैयार की अपने बाप यानी अकबर के खिलाफ अनारकली को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन हार गए। हार के बाद राजा अकबर ने ये अनाउंस कर दिया कि सलीम को तोप से उड़ा दिया जाए, चाहे उनका बेटा था। Take
यहाँ एक ट्विस्ट। महारानी के बहुत गिड़गिड़ाने पर राजा ने कहा कि अगर अनारकली सलीम की जगह खुद को मारने के लिए तैयार हो जाए तो सलीम बच सकता है। अनारकली तैयार हो जाती है खुद को जिंदा दीवार में चुनवाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये सब करने के लिए अनारकली ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मुझे कुछ समय के लिए सलीम की बीवी बनने का अधिकार दिया जाए और मुझे महारानी का ताज पहनाया जाए। राजा ने उनकी बात मान ली। लेकिन दोस्तों, जो बहार थी उसने फिर अपना रंग दिखाया और अनारकली को एक फूल दिया जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस मिलन के बाद अनारकली को जब चुनवाने के लिए लेके जाया जाएगा, सलीम उसे जाने नहीं देगा। तो अगर अनारकली अपनी मोहब्बत में घिरा कर उसको बेहोश कर दे तो ये काम आसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अनारकली ने सलीम को बेहोश कर दिया और जब उसको ले जाया जा रहा था तब अनारकली की मां सामने आई और राजा को उसका वो एक वादा याद दिलाया जो उसने कहा था कि तुम कभी भी मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, और उसने अपनी बेटी की जिंदगी मांगी। अकबर ने कहा कि सबके सामने तो मैं इसको आजाद नहीं कर सकता, लेकिन इसको दीवार में चुनवाने के बाद पीछे से एक सीक्रेट रास्ता निकाल के अनारकली को जिंदा एस्केप कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये वादा लिया कि ये दोनों माँ बेटी गुमनाम जिंदगी में चले जाएंगे और सलीम यही सोचता रहेगा कि अनारकली को जिंदा दफना दिया गया। اس مقدس ترازو کی قسم، اکبر سے زندگی میں ایک بار جو مانگو گی عطا کیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے بدہواسی نے تجھے اندھا کر دیا ہے، ہمارے انصاف اور قانون کو نہیں پہچانتی۔ اپنی دی گئی اس نشانی کو پہچانیے دلیرائی، یاد کیجیے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اکبر سے زندگی میں ایک بار جو جی چاہے مانگ لینا۔ آج میں آپ سے انارکلی کی زندگی مانگتی ہوں۔ ہمیں کچھ یاد نہیں۔ یاد نہیں، مگر انصاف پرور بادشاہ تو کبھی اپنے قول سے نہیں پھرتے۔ کہہ دیا، ہمیں کچھ یاد نہیں۔ آپ اپنا وعدہ بھول سکتے ہیں، لیکن وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ جس نے آپ کو شہنشاہ بنایا ہے، وہ اپنی غریب مخلوق کو کبھی نہیں بھولتا۔ حشر کے دن اس کی عدالت میں میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کو گرے گا۔ وہاں میرے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا۔ لے جا اسے۔ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ جو شہنشاہ اپنا ہارا ہوا قول نہیں کہہ سکا، وہ اور کیا دے؟ لو، دیکھو انارکلی، میری بچی،
शहंशाह, सुनो, देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी और ये राज कि अनारकली जिंदा है, तुम्हें राज रखना होगा ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी है। एक और मोहब्बत का अंत, ना प्यार मिला ना विसाले यार। तो दोस्तों, ये थी कुछ टूटे हुए प्यार के लम्हे, किस्से, कहानियां और कुछ गीत और नगमे। अगले हफ्ते मैं रफ्तारे रुचिका फिर से लेके आऊंगी आपके पास ऐसे ही कुछ अधूरे किस्से, या मैं कहूं ट्रायो इन लव स्टोरीज। तो इंतजार कीजिए अगले बुधवार का उसी शो में जिसका नाम है बीते लम्हे रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।